तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सोमबन। यहाँ नीचे फिशिंग चल रही है। कोई भी ऐसा मत करना, हम लोग जो करने जा रहे हैं ना वो वहाँ जाने वाले हैं बीच में। ऐसे मौसम में कभी भी नदी आ जाती है, कोई नहीं करेगा ऐसा। भाई यहाँ से रिवर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और भाई की एक स्लीपर बह चुकी है पानी में। अब हम लोग कैसे जाए भाई, यही पानी पड़ू जी है वो एक चीज की था। तू जान कौन है पानी का झरना जी नहीं पत्थर चुभ रहे पांव में पानी ला कर पता। ऐसे मौसम खराब में कभी भी नदी के पास नहीं जाना चाहिए, वो तो हम जा रहे थे बेवकूफ़ी कर रहे थे। हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको, और कैसे हैं आप सब लोग, आप सब ठीक होंगे? तो आपका स्वागत है आप हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं? मनाली। मनाली वो रहा भी हाँ जी क्या मुंडी बसी। हेलो सर कैसे हैं? हम तो सही नहीं जा रहे थे। किस तरफ? दूसरी तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैन ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का जो सफ़र हमारा रहने वाला है वो हमेशा की तरह, आज भी हमें पता नहीं जहाँ रास्ता मिलेगा हम चलते जाएंगे। और आज के जो हमारे साथी हैं हमेशा की तरह मिस्टर अंश, मिस्टर बॉबी, बॉबी है नमस्कार, और भाई लली। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग कुछ रील्स बनाने वाले हैं, रील्स बनाएंगे और मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे इंस्टा को फॉलो करना आपने और चैनल को सब्सक्राइब करना और यूं ही इस वीडियो में बने रहना क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। और आज के इस संडे के आने वाले दो पार्ट, ये वाला अलग से रहेगा और शाम के टाइम इसके बाद जहाँ जाने वाले वो पार्ट अलग से रहेगा, पार्ट वन और पार्ट टू। तो दोनों को इंजॉय करना। पहले तो आप इसको देख लो पूरा, अभी मत जाओ, अभी नहीं आया वो, देख लो इसे ठीक है, और सब्सक्राइब करवा दो यार जल्दी से ठीक है। और जो हिमाचल का भी नज़ारा मौसम हो रखा है ना, बहुत बेहतरीन है। गर्मियाँ भी आ गई है क्योंकि अभी काफ़ी लेट इस बार गर्मी आई, लेकिन लेट आई लेकिन अच्छी आई। क्या कहते जी? हाँ जी मुँह से बोलो। हाँ जी नहीं यार बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ हम अभी बहुत अच्छी चली है। हाँ जी मज़ा आ रहा है। और अभी मजा आने वाला है। हाँ तो यार बाकी सब लोग ना, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो अंश टीवी को सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाएगा। और अंश के जितने सब्सक्राइबर हो मुझे सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है। ये औखा चढ़ा रहा मरो जैसे अंकल चलो, मैं इसको भी कोई ठोक सकता है भाई साहब। देखो ये आगे वाली जो गाड़ी वाला जा रहा है जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है यार। रुक जा मेरे भाई, क्या जल्दी हो रही है तुझे? अब रुक जा चल। देखा आपने, ऐसी कोई भी जल्दबाजी ना करें क्योंकि भैया थोड़ा सा टाइम लेके यार रोड क्रॉस करें। अभी देखा वो भाई साहब जल्दबाजी में आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, साथ में फैमिली यार, उनके ऐसी पागलपन नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इतना टूरिस्ट भर चुका है, देखो सारे राफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये है राफ्टिंग पॉइंट यहाँ का। भारी तादाद में ट्रैफिक ले औखे नदी रहा। हमारे आगे ना गाड़ी चल रही है वरना, तो उसमें ना पंजाब के कुछ अपने भाई लोग हैं, लेकिन यार ये कुछ गलत करे क्योंकि आप सनरूफ से बाहर निकले लेकिन यार बच्चों को ना निकाले। देखो यार आप बताओ, बंद खोलो जरा सनरूफ खोलने वाला। देखो यार इन्होंने ना बच्चों को भी बाहर निकाल रखा है यार, छोटा बच्चा यार
ऐसे ना करें कोई भी प्लीज। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सोमबन, यहाँ पे हम जाएंगे अभी अंदर और कुछ वीडियोस बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, और जो रील बनाऊंगा ना वो इंस्टाग्राम पे जाकर के आपने मेरी देखनी, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे क्लिक करो और इंस्टाग्राम पे जाओ और इस वीडियो को भी शेयर करना। चलो देखते हैं कैसा है देखने में सोमबन, मैं भी नहीं गया हूँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। अंश गए कभी? अंश कभी पहले फर्स्ट टाइम में विक्की गया, पहले ये कह रहा कि राज मूवी देखी है ना, राज फिल्म, राज मूवी, राज 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 मूवी देखी पुरानी वाली, उसमें जो जंगल फॉरेस्ट का शॉर्ट्स थे ना जहाँ पे तो भूत भूत निकलता है वो इस जंगल का। चलो ले चलते हैं आपको सीधा वहीं से। भाई साहब ये तो पूरा डांसिंग ब्रिज है, पूरा नाच रहा है। और नीचे फिशिंग चल रही है, कोई भी ऐसा मत करना, हम लोग जो करने जा रहे हैं ना वो वहाँ जाने वाले हैं बीच में, ऐसे मौसम में तो कभी भी नदी आ जाती है, कोई नहीं करेगा ऐसा। गाइस आज हम हैं 15 मील के बिंदों में, तो आज हम आपको बताएंगे कि आगे क्या चल रहा है। हमें अभी उस पार जाना पड़ेगा, वह अभी देखते हैं, रास्ता ढूंढते हैं। ओके सर, हम जा रहे हैं नदी क्रॉस करने और हम जाने वाले हैं। गाइस हमें रास्ता दिख गया है, हमें वहाँ उस तरफ से जाना पड़ेगा, वहाँ पे पत्थर से स्टेप बाई स्टेप उस तरफ जाना पड़ेगा। चलो स्टेप बाई स्टेप रास्ता बहुत ही डेंजर है, इसलिए यार जीन्स ना बहुत टाइट है भाई, जीन्स जमना तो मुझे दे फायदा। चल आ जा अभी, अरे इसने कैमरा पकड़ियो, आ जा अभी, आ जा चल। यार ये लोग तो घुस के जूते पहन के आया यार, ओ आ सके ना, जूते उतारने पड़ेंगे यार। कितने परी परी है यार, मिल नहीं जा, अरे उसकी चप्पल चली गई गई। बहुत ही बड़ा स्कैम हो चुका है, एक पानी में बह गई है, रोन दे वे ए भाई, रेंडो रोन दे ना, तंगी तंगी जाई किसने दा, जूते साथ साथ हो गए, जूते साथ था, सस्ती थी ना, सस्ती थी ना, भाई यहाँ से रिवर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और भाई की एक स्लीपर बह चुकी है पानी में, तो भाई गयो इसकी चप्पल तो गई बिक्की की, पता नहीं क्या क्या जाएगा अब हम लोग कैसे जाए भाई, यही पानी पड़ू जी है वो एक चीज की था, तू जान कौन है पानी का झरना जी, पानी ला कर बताओ तुम लोगों को कोई भी रास्ता नहीं मिला भाई, जूते पहने थे बिकी ने, चप्पल पहनी थी उसकी चप्पल चली गई, तो हम लोग जा रहे हैं वापस, देखो थोड़ा सा आगे जाएंगे कहीं पे
तो वहाँ पे देखते हैं क्या क्या मिलेगा कुछ। लेकिन काफ़ी बढ़िया जगह थी, अगर पजामा वजामा पहना होता तो बहुत बढ़िया रहता। हरमाम जी तगड़े जी ठीक ठाक ला। तो वापस निकलते कोई फ़ायदा नहीं है जाकर यार, रिस्क नहीं ले सकते। और ऊपर से ना मौसम ख़राब है, ऐसे मौसम ख़राब में कभी भी नदी के पास नहीं जाना चाहिए। वो तो हम जा रहे थे, बेवकूफ़ी कर रहे थे, लेकिन कभी भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि कोई पता नहीं होता कब पीछे से पानी आ जाए, कुछ हो जाए। कभी बादल वादल भी फट जाते हैं ना पीछे, एकदम से फ्लड आ जाता है। और काफ़ी बार ऐसा हो चुका है जैसा आपने देखी होगी। अब हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ, बाकी देखते क्या होता है। विक्की की चप्पल चली गई थी, नंगे पैर घूम रहा वो, देखना अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ से गाड़ियाँ लाते हैं, देखो कितना कंजेस्टेड ब्रिज है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार हमारे राइडर भाई, कैसे हैं? राइडर नहीं, क्यों राइडर बोला? बोले राइडर बोला क्यों बोला था? पिछले संडे भी लास्ट लास्ट संडे आपसे दुकान में बाहर बैठे हुए तो फोन करना था ना मेरे को, फोन की चार बजे बड़े भाई ध्यान जोड़ो रहा अच्छा जी। एक टाइप कट होने डोर वासी ना ये जिस छुट्टे सी नहीं और कोई मत जिसमें निशान है क्या आपने जिम ने? हाँ जी वीडियो वीडियो बनाई है। कैसी लगी आप? देखा मैंने आपका, ठीक है, ठीक तरह था। बहुत भाई डेंजर है ये ब्रिज तो। सुभाष है? सुभाष है नहीं हमने, बाकी मेरे व्यूअर्स में इनको तो जानते ही होंगे सब लोग यार। तो गाइस फर्स्ट टाइम मैं बैठा हूँ भाई के साथ, मैं पहले थोड़ा डरा हुआ हूँ, डरा नहीं हूँ, मुझे इन पे पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन कहते हैं ना फिर भी बोलूँगा नहीं, समझ जाओ खुद से। तो रिसेंटली भाई ना रैली करके आया है, कौन सी भाई? सुजोबा रैली चंडीगढ़ में। तो उसमें थर्ड ओवरऑल थर्ड नंबर पे आए थे भाई। तो आज मैं बैठने वाला हूँ, मेरा क्या होने वाला है, मैं अब कैमरा दे रहा हूँ बॉबी को। बॉबी ले बैठेंगे। इस रोड से आए हो पहले आप? नहीं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। इस रोड में देखा, ये मेरा फेवरेट रोड है। अच्छा हाँ जी। अच्छा आप घुमाते हैं गाड़ी आपको? देखो तो बहुत बड़ी जंगल के बीच में, अभी देखना आप लोकेशन देखना इसकी आप। यार विक्की का इंतजार कर रहे हैं एक्चुअली, विक्की वो लोग पीछे है तो यहाँ से कटते हैं दो तीन रास्ते ऊपर की तरफ, तो यही रास्ता होगा सबसे बेटर। हाँ जी सबसे शॉर्ट भी है और देखते कहाँ पे वो, अगर कहीं दूसरे रास्ते से निकलेंगे तो कहीं ऊपर ही मिलेंगे फिर अगले। ऊपर जाकर आओ आप
आपको दिखाते भी हूँ यहाँ से कैसा दिखता है। मस्त है ना भाई। बहुत ही जबरदस्त व्यू दिख रहा है यहाँ सर। ये जो पत्थर है ना, ये अगर किसी को वीडियो बनानी है, ये आएगा सोहिल के रास्ते में। जैसे आओगे ना आप, तीन चार टर्न लेकर ऊपर, पूरा दिखेगा आप लोगों को ये। वो भी एनी ऑफ वीडियो तो अपने रील के लिए जो वीडियो बनानी थी ना, वो बन चुकी है। इंस्टाग्राम पे जाना आपने और देखनी है वहाँ पे जाकर वीडियो, ठीक है? देख लेना जाकर डिस्क्रिप्शन में। समर बीच में आना, लौट आए। अच्छा, ए की लौट रहा है भागु भाई, ले वाला नहीं ब्लू। तो अपनी रील बन चुकी है भाई साहब, भाई मुंबई की भी बन चुकी है। थैंक्स भाई। तू यार ये कोई सुन नहीं रहा यार, हिम्मू भाई बताओ इनको। अरे टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि आगे भी वीडियो बनानी है यार। बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी जगह है आगे। हाँ आगे छाड़ मार, चलो चलो चलते हम लोग। हिम्मू भाई जा पर कुछ रहा भाई, जल्दी शायद हम लोग एक नई गाड़ी के साथ लेह लद्दाख का टूर लगाने वाले हैं। जरूर, ठीक है? पक्का पक्का, डन डन विद इन वन मंथ। एक महीने के अंदर या लेट? थोड़ा लेट, थोड़ा लेट, थोड़ा लेट, क्योंकि सीजन का टाइम है अभी, लेकिन जाएंगे जरूर। तो हम लोग जा रहे हैं, सोहिल सोहिल ना भाई, अभी सोहिल है पूरा। यस सोहिल आए हम लोग। तो वैसे तो हम कहीं और जाने वाले थे, जैसे सोमवन आए थे हम, लेकिन मुझे ना कुछ मजा नहीं आया वहाँ पे। देखा था आपने नदी के किनारे, इसकी चप्पल भी चली गई थी, जूते थे इसके पास पड़े हुए। ए चप्पल लौटी पहुंचे जहाँ गाड़ी पार करोगे वहां से 6 मिनट, अगर हमारी तरह चलोगे आराम से चलेंगे तो 20 मिनट के आधा घंटा लगेगा। चलो आ जाओ जल्दी से। यहाँ पे काफ़ी आपको छोटे छोटे फूड कॉर्नर देखने को मिलेंगे, और आइए खाना वाना लाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। कहाँ से भाई आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली कहाँ से? दिलसाद गार्डन। मैं मालवीय नगर से हूँ यार। मालवीय नगर से? हाँ, रहता मैं यहीं हूँ, यहीं का हूँ। मुझे मालवीय नगर में हुआ 8 साल, खिड़की में रहता हूँ, खिड़की एक्सटेंशन। कहाँ गया? रामनगर एक्सटेंशन है। ये रह रहा जो भाई निकाल दिया ब्लॉग। अरे थैंक यू भाई। कैसी लगी भाई जगह? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम तो ना आगे से। कहाँ पे? ऊपर जाओगे ना एक दुकान। मैं पहली बार आ रखा हूँ यहाँ पे। पहली बार ही। अच्छा, ऊपर जाओ एक दुकान सी आएगी, मैगी पॉइंट, तो वहीं है नहाने का, ज़्यादा पानी का प्रेशर नहीं। चलो ठीक है भाई, ओके जी। हाँ भाई बिल्कुल आओ।
यार रील में मजा नहीं आ रहा है, लाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है, बहुत डल आ रही है वीडियोस। फिर भी कोशिश कर रहे हैं, अभी थोड़ी सी लाइट आई है ना, लाइट आई ना, लाइट थोड़ी सी लाइट आई है, सूर्य देवता आ जा आज, हमारी वीडियोस बढ़िया बढ़िया आनी चाहिए। और सुनो बाकी ये लोग तो वीडियो देखो, लाइट आई ना, बननी है डारों का उनकी फोटोग्राफी चली है भाई, मैं बैठा हूँ साइड में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगर लाइट रहती ना तो बहुत ही मजा आता यार, लाइट नहीं है तो इस वजह से ना पूरा मूड ऑफ हो गया थोड़ा सा, धूप है तो काफी मजा आ रहा है ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया लोकेशन है, बस धूप की यार, धूप नहीं थी ना, धूप ना तो फायदा नहीं होता जंगलों में आकर, क्योंकि रील बनानी होती, रील के लिए लाइट चाहिए, नेचुरल लाइट नहीं भाभी। चलो बॉबी की हालत तो खराब है, बिल्कुल टाइट नहीं, नहीं 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 बॉबी की हालत खराब है, वो तो सो गया है। इसके लिए ऐसी कुछ कंडीशन देखना भी थोड़ा देर में, देना हालत खराब है इसकी भी टाइट। तो गाइस आज का ब्लॉग कुछ ऐसा था, ज़्यादा कुछ नहीं था आज के ब्लॉग में, लेकिन यार धूप नहीं थी, धूप ना होने के कारण मुझ में भी एनर्जी नहीं आई उतनी, तो ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करने जा रहा हूँ। देखते अगर आगे कुछ मिलता तो वो भी आपको दिखाएंगे, बाकी आप यार शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है ना, तो और कुछ नहीं, गुड बाय। जूस ब्रेक पे देखिए ये जो सोए हुए इंसान थे वो जाग चुके हैं। चेस गड्डी स्टार्ट कर, गिलास पे ये भगना।